हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं बॉलीवुड गपशप। आपके साथ मैं हूं काजोल। तो चलिए शुरुआत करते हैं बॉलीवुड से जुड़ी, आपके सितारों से जुड़ी और आपके टीवी एक्टर से जुड़ी चटपटी खबरों। रणबीर कपूर इन दिनों अपने पिता बनने की खबर को लेकर काफी चर्चाओं में हैं, जहां सोशल मीडिया पर फैंस इन्हें मम्मी पापा के रूप में देखने के लिए बेसब्र हो रहे हैं। तो वहीं खुद रणबीर भी इस समय काफी एक्साइटेड हैं। ऐसा लग रहा है मानो उन्होंने अभी से ही कई सारी चीजों की प्लानिंग कर ली है, यहाँ तक कि होने वाले बच्चे का नाम भी सोचना शुरू कर दिया है। तो आप भी जानना चाहेंगे कि आखिर रणबीर अपने बीवी का नाम किस अक्षर से रखने वाले हैं। दरअसल रणबीर कपूर से अक्सर मीडिया इंटरेक्शन के दौरान उनके होने वाले बच्चे का जिक्र किया जाता है। अपने बेबी को मसाई मारा ले जाने की ख्वाहिश से लेकर ट्विंस होने की हिंट देने तक वो कई बातें कर चुके हैं। हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान बच्चे के नाम पर भी चर्चा की। बातचीत के दौरान उनसे पूछा गया कि कपूर खानदान में लगभग सभी पुरुषों का नाम आर से शुरू होता है, तो क्या वो भी अपने बच्चे का नाम आर से ही रखेंगे या फिर उन्होंने कोई और नाम सोचा है। इस पर रणवीर ने कहा कि उन्होंने अपने बच्चे के लिए आर और बिना आर वाले कई नामों के बारे में सोचा है। इसके साथ ही एक्टर ने यह भी बताया कि जब आप बच्चे को पहली बार अपनी गोद में लेते हैं और आपके दिमाग में जो नाम अचानक से आता है वो सबसे खास पल होता है। बात रणवीर कपूर के वर्क फ्रंट की करें तो इन दोनों एक्टर अपनी आगामी फिल्म शमशेरा को लेकर सुर्खियों में हैं। आने वाली 22 जुलाई को ये फिल्म रिलीज होगी। फिल्म में रणवीर के अलावा संजय दत्त और वाणी कपूर अहम रोल में हैं। इसके अलावा वो फिल्म ब्रह्मास्त्र में आलिया भट्ट के साथ नजर आएंगे। वहीं उनकी फिल्म एनिमल और लव रंजन का अनटाइटल्ड प्रोजेक्ट भी लिस्ट में शामिल है। स्टार प्लस के दूसरे सबसे हिट सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में इस समय दोनों बहनों में वर्ल्ड वॉर छिड़ गया है। शो में एक तरफ अभिमन्यु के हाथ की नस डैमेज हो चुकी है, उसे सर्जन बताते हैं कि नस के डैमेज होने की वजह से वो कभी सर्जरी नहीं कर पाएंगे, इससे वो बुरी तरह टूट जाता है। दूसरी ओर रक्षा की बहन आरोही बहन से अपनी बेइज्जती का बदला लेने की प्लानिंग बना रही है। शो में आज के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि आरोही बहन रक्षा से बदला लेने की ठान लेगी, वही अभिमन्यु की जान खतरे में पड़ जाएगी। ये रिश्ता क्या कहलाता शो में अब लगातार नए ट्विस्ट और टर्न्स आ रहे हैं। प्रणाली राठौर और हर्षद चोपड़ा स्टारर शो में हर हफ्ते नया मोड़ आ रहा है। बीते दिन ये रिश्ता क्या कहलाता है में दिखाया गया कि आरोही डॉक्टर बनने के लिए नए हथकंडे अपना रही है। उसके इरादे बिल्कुल ठीक नहीं है, वो करियर शुरू करने के लिए रुद्र का सहारा लेती है और अभिमन्यु को नीचा दिखाने का प्लान बनाती है। अगले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि आरोही अक्षर अभिमन्यु की बातों को याद करेगी, करियर बर्बाद होने के लिए उनको जिम्मेदार ठहराएगी, वहीं वो दोनों से बदला लेने के लिए चाले भी जलती हुई नजर आएगी। स्टार प्लस के सुपर हिट शो अनुपमा में इन दिनों छोटे बच्चे के आने पर जमकर बवाल मचा हुआ है। शो के दर्शक इस बच्चे के किरदार से काफी खुश हैं। वहीं शो में अनुपमा की नई जिंदगी आगे बढ़ता देखना किसी को रास नहीं आ रहा। रूपाली गांगुली और गौरव खन्ना स्टारर शो में लगातार नए ट्विस्ट लाए जा रहे हैं। अब छोटी अनु के आने से अनुपमा की जिंदगी मुश्किल में पड़ गई है। अनुपमा की जिम्मेदारियां तो बड़ी है, साथ ही शाह परिवार की कड़वाहट और बढ़ गई है। किंजल बहू पाखी बा वनराज लगातार छोटी अनु को लेकर अनुपमा को ताने देने में जुटे हैं। हम लगातार शो के अपडेट्स अपने लोगों को अपने दर्शकों को दे रहे हैं, तो आइए जानते हैं कि अनुपमा के अगले एपिसोड में क्या होने वाला है। बीते दिन अनुपमा में दिखाया गया कि अनुपमा और अनुज ऐसी बच्ची को गोद लिए हैं जो अपना ख्याल खुद रखना जानती है, वो अपना सारा काम खुद करती है, तो दूसरी ओर अनुपमा के बड़े हो चुके बच्चे छोटी छोटी चीजों के लिए माँ के पास भागते हैं। अब अनुपमा में एक नया ट्विस्ट आने वाला है। अब आप जानना चाहेंगे कि ट्विस्ट क्या है, तो चलिए आपको बता देते हैं। शो में आगे दिखाया जाएगा कि छोटी अनु का एक्सीडेंट हो जाएगा। अनुपमा बेचारी अपनी बच्ची के लिए दहाड़े मारकर रोती हुई नजर आएगी। तो ऐसे ही बॉलीवुड की चटपटी खबरों के लिए आप देखते रहिए बॉलीवुड गपशप और बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।